हेलो स्टूडेंट्स, आपण समस्त आम चैनल शिक्षा मंत्र रे बहुत बहुत स्वागत। देख पाने आपण मैंने देखुं पेड क्लास, एटा फ्री क्लास नुहे। जो मैंने यू केवल पैसा दे कि आम बेस रे एडमिशन नहीं से मानक ये क्लास टी उद्दिष्ट रही। देख पाने पूर्व क्लास रे आपन को कही कौन एग्जाम पैटर्न कौन सिलेबस रही पाने लिखी है। गोटे कथा मुझे रखुच्छे पाने आम जो कथा को ग्रुप रे शेयर करुचु आप तार जवाब दियो। जपरी मुझे कहली सिलेबस केते जने लिखिच लिखिक आमको पठाओ, जड़े मात्र पिला पठेला अन्य माने पठे नाते। किंतु पिलाने समस्त गोटे कथा कही रखुचे सब जिनस समस्ते पार्टिसिपेट करो, आक्टिव रुओ, तेबे जाकि सक्सेस हबे। एवं यहापर मुझे आपन को आउ गोटे कथा कहूँ, यटा को मन रख, बेक बेक फोर आपणकर प्लस टू, बेक फोर प्लस टू फर्मूला अप्लाय कर। मुझे जिते पढ़ेबी मनकर मुझे जो विषयटा पढ़ेबी ता पूर्वर चार पेज पढ़ एवं ता पर माने परे कौन दुई पेज पढ़ बहर मनकर मुझे सात सात नंबर पेजटा पढ़ेबी ता पूर्वर आठ मान कौन रही चार पेज केत नंबर कि पाँच नंबर चार नंबर तीन नंबर दुई नंबर एगुड़िक आप पढ़ा तापर कौन आठ न पढ़ कहीं जिते बड़े पढ़ेबी पूरा कैची लगे ये जिनसटा आप फर्मूला करेंगे बेक फोर प्लस टू, बेक फोर प्लस टू यही फर्मूलाटा मन रख जहाँकि पाने आपण बहुत गुरुत्वपूर्ण रहा। देख पाने आज इतिहास गोटे गुरुत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा जोटा कि आम भारत इतिहास सर्व पुरातन सभ्यता इतिहास रे एवं पिलामाने याको अपन स्टेप बाय स्टेप लिखि रखे। जेपरी फ्री क्लास रे आमे कोन कहतला गोटे गोटे पढ़े दोथलो किंतु आमे एटा को मूल ठू शेष पर्यंत पढ़ेबू एवं सरीबा परे मु नोट्स आपन को पीडीएफ ए टॉपिकटा जेपरी मु पढ़ेबी कोटा कना हरप्पा सभ्यता। देख माने आमे हरप्पा सभ्यता पढ़ा, हरप्पा हरप्पा सभ्यता ए सभ्यताटा जो आमे पढ़ा ना एहार निश्चित भाव ये विषयटा सरवापर यार मु पीडीएफ देदेवि। किंतु ये क्लास को भल भाव पढ़ा चेष्टा कर एवं बुझाक चेष्टा कर एवं निज नोट्स रे गोटे गोटे समस्त कथा को लेख। वर्तमान रफ नोट बाहर कर जेपरी मुझे इतिहास रे दुईटी खाता बनेबो गोटे रफ नोट एवं गोटे जोटा कि मेन नोट कर। वर्तमान रफ नोटा को बाहर कर एवं लेख्या स्टार्ट कर। देख हरप्पा सभ्यता हूँ भारत इतिहास रे सर्व पुरातन सभ्यता। देखो यही सभ्यता आपणकर केबे लोकलोचन को आसला आपणकर विशेष करी 1921 मसीह आपणकर लोकलोचन को आसला 1921 मसीह पिलाने निज नोट्स लेख 1921 मसीह लोकलोचन को आसला माने सबुठ विशेष कथा है ये जो 1921 मसीह आसला यही सभ्यता विषय लोक मैंने किपर जान लें। देख 1920 मसीह किए रही ना दयाराम साहाणी, दयाराम साहाणी लेख पाने जहाँ लिखुच से निजर नोटबुक लेख दयाराम साहाणी से कौन करते ना हरप्पार दयाराम साहाणी होती हरप्पा हरप्पार भूमि खनन करते हे आपणकर दयाराम साहाणी। एवं यह सहित आपणकर 1921 मसीह किए रही ना राखल दास बानर्जी एगुड़िक पाने निज नोट्सबुक प्रथम लिखि रख बानर्जी आपणकर महेन्जोदार ए भू खनन करते प्रथमटा आपणकर 1920 मसीह दयाराम साहाणी कौन कले ना हरप्पा एवं 1921 मसीह आपणकर किए ना राखल दास बानर्जी महेन्जोदार से कौन कले ना भू खनन करने से हरप्पा एवं महेन्जोदार विषय जानवापाई पाइले। एवं ये आपणकर भू खनन कर 1921 मसीह जड़े डायरेक्टर थे जड़े डायरेक्टर थे से डायरेक्टर ना कौन थी ना डायरेक्टर ना कौन थी ना पाने देख सार जॉन मार्शल थे कि आपणकर कौन ना मार्शल थे
एमानकर डायरेक्टर से आपणकर 1924 मसीहारे कौन कले ना डिक्लारेशन कले एटाकु जे औपचारिक भाव में कहले जे हरप्पा सभ्यता। देख पिला माने ए जिनसटा को सब बेले मने रखिया पई चेष्टा करो, बहुत विशेष भाव रे ए जिनसटा को आमे आलोचना करबा। देखंतु सर जॉन मार्शल एटा जो ऑफिशियली भाव रे बा आपनकर औपचारिक भाव रे घोषणा कले कोना एटा को कोन प्रथमे कोन को आ जाउथला ना सिंधु सभ्यता, प्रथमे हरप्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता बोली कहा जाउथला, जहाँ कि आपनकर प्रथमे जे आपनकर किए ना सर जॉन मार्शल एटा को कौन कहते ना हरप्पा सभ्यता प्रति बदल सी कहते सिंधु सभ्यता। एवं परे परे जिते बड़े 1947 मसीहार भारत स्वाधीन है तापर एटा को कौन करागला ना हरप्पा 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 सभ्यता बोली कहगला 1947। नो डाउट पिला माने समस्त जिनस को निज नोट्स बुक रे लेखी रख, एटा विशेष विशेष भाव रे बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिबो समस्तक पाई। देख पिला माने एटू आपनकर क्वेश्चन आसी पारे केबे लोक माने जानिले हरप्पा सभ्यता विषय रे 1921 मसीहार दयाराम साणी आपनकर हरप्पा उपर भू खनन करथिले, राखल दास बानाजी मोहेंजोदार उपर घोह खनन करते, डायरेक्टर किए थे ना सर जॉन मार्शल से 1924 मसीहार औपचारिक भाव में हरप्पा सभ्यतार प्रचार करते। देन पे आम देखा जे हरप्पाटा कौटी अवस्थित एवं यह सहित आम मोहेंजोदार कौटी अवस्थित पे दुईटा क्वेश्चन आपणकर सबुबले परीक्षार आसी था हरप्पा के एवं यहाँ सहित आपणकर मोहेंजोदार कौटी। देख पिला माने लेख जो गुड़ाक मुझे ना निजर नोट्स बुक रे जो रफ नोट करिछ सेटेरे लेख हरप्पाटा कौटी मुझे लिखुची लेख सेमिति आपणकर मने रहिबो। हरप्पाटा आपणकर मुख्यतः कौटी अवस्थित ना पंजाब रो हरप्पाटा होची पंजाब रो मोंटेगोमारी जिलार आपणकर राबी नदी कूल अवस्थित। पे यहाँ निज नोट्स लेख जे हरप्पा एटा हूँ आपणकर पंजाब रहा हूँ जिला मुमी कहे पे यू देखा मात्र के मने रही जहाँ कि मोंटेगोमारी जिलार राबी नदी कूल हरप्पाटा अवस्थित। यापर कौन रोचना मोहेंजोदार देख पे रोचे कौन ना मोहेंजोदार देख पे एक निज नोट्स सब जिनस लेख मोहेंजोदार केउटी ना आपणकर सिंधु प्रदेशर मोहेंजोदार हूँ आपणकर सिंधु प्रदेशर लारकाना जिलार सिंधु नदी कूल अवस्थित सिंधु नदी एटा आपण माने केबे भी भूलिबेनी। और माने क्वेश्चन एमती शॉर्ट बीट पढ़ी सारी बजे हरप्पाटा केउटी अवस्थित ना हरप्पाटा पंजाब रो आपणकर मोंटेगोमारी जिलार राबी नदी कूल अवस्थित। देन धर क्वेश्चन आसीबो कना मोहेंजोदार केउटी अवस्थित ना सिंधु प्रदेशर आपणकर लारकाना जिलार सिंधु नदी कूल अवस्थित। देख पे एटी गोटे मुख्य कथा आपणकर रोचे एटा को कहीं आपणकर हरप्पा सभ्यता बोली कहगला कहीं अधिकांश यार जो प्रमाण बा सविशेष बा अविशेष बा अवशिष्टांश बा भग्नावशेष हरप्पा अंचल मिली जो कि हरप्पा सभ्यता बोली कह जाए एवं हरप्पा एवं सिंधु सभ्यता बोली कह जाए। देन पे आपको ये मुख्य जिनस आ गए मन रखापी पड़ो जे आपणकर हरप्पा शब्दर अर्थ कौन एटा क्वेश्चन आसे हरप्पा नुहे मोहेंजोदार शब्दर अर्थ कौन एटा देखु मोहेंजोदार शब्दर अर्थ हो मृत नगरी बा आपणकर कौन ना मृत स्तूप यहाँ आप माइंड भितर सेट करनी शॉर्ट बीट क्वेश्चन आपणकर यू आसी पारे जे आपणकर हरप्पा बा आपणकर मोहेंजोदार शब्दर अर्थ हो मृत नगरी बा मृत स्तूप। देख पे यहाँ आम जान लें हरप्पा सभ्यता कौन एवं ता विषय आम किपर जाणी को पाइले सहित आम जाणी कौन ना हरप्पा सभ्यतार भौगोलिक स्थिति। देख पे भौगोलिक विस्तृति आम जाणी एवं सेकेंड पॉइंट कर कौन ना
आपणकर सेकेंड पॉइंट रे कौन लिखिबा ना मुख्यतः लिखिब भौगोलिक 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 विस्तृति भौगोलिक विस्तृति भौगोलिक विस्तृति एहा सहित एवं जनसंख्या। देख पिला माने आमे जानिबा जो आमे हरप्पा सभ्यता कहउचंती सेतिरे भौगोलिक परिस्थिति कौन थिला एवं एहा सहित जनसंख्या केते थिला। पिला माने एटा रहउछि कांसेप्ट क्लास, प्रथमे बुझ तापरे खातारे लेख एवं आमे नोट्स प्रोवाइड करदेबू एगुड़िक जिस्ट। देखते आम जिते भारत मानचित्र काटूँ एमती कौन रहा ना भारत मानचित्र एमती आम रहा भारत मानचित्र। देख भारत मानचित्र आमर के हरप्पा सभ्यताटा थी देखते ये आप कौन रोच पाकिस्तान ये कौन रोच अफगानिस्तान अफगानिस्तान ये रोच एटा कौन जम्मू काश्मीर ये आप कौन रहा ना गुजरात गुजरात ये रहा ये कौन रहा ना कौन यूपी उत्तर प्रदेश ये आप रहा ना उत्तर प्रदेश। देख पाने आपणकर पश्चिम कौन थी ना पश्चिम आपणकर पश्चिम अफगानिस्तान पे मन रख पश्चिम अफगानिस्तान एवं पूर्वरे उत्तर प्रदेश। देख पूर्वरे यही अंचल आपर्त उत्तर प्रदेश कौटी कौन थी ना आलमगिरी। देख पश्चिम देख मुझे लिखुची लेख पश्चिम कौन थी ना अफगानिस्तान 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 मुंडीगज एवं यह सहित कौन ना पूर्व सहित आम कौन पश्चिम सहित पूर्व लिखा पूर्व दिगरे कौन थी ना उत्तर प्रदेश आलमगिरी उत्तर प्रदेश आलमगिरी आलमगिरी यह सहित पाने आम जानले पूर्व पश्चिम कौन कौन थी तापर कौन रहा ना उत्तर रे। देख पाने उत्तर रे कौन थी ना उत्तर रे आपणकर जम्मू उत्तर रे जम्मू एवं दक्षिण रे कौन ना गुजरात दक्षिण रे गुजरात। देख यही पर्यंत आपणकर जो अंचलटा रहा जो अंचलटा आपणकर रहा यहीटा आपणकर हरप्पा सभ्यता बा सिंधु सभ्यता भाव में यहीटा परिचित। देन पिला माने ऑलरेडी आम जानले भौगोलिक स्थिति केमिति थिला एहा सहित आउ गोटे मुख्य कथा आमको जानिबा पई पड़िबो आमर हरप्पा सभ्यतार पाखापाखी माने 1400 केन्द्र माने 1400 जगार आपणकर माने विभिन्न उपादान मिली एवं जो उपादान गुड़िक मिली से गुड़िक विशेषकर किसी अंचल बहुत फेमस से गुड़िक आमको जाना। देख जो आम रही हरप्पा सभ्यता क्यों देश को ये व्यापी देख पाने विशेषकर यहाँ आमर भारत पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान यही सबू अंचल आपणकर भौगोलिक विस्तृति आर थिला। देन आम देखा कौन रहा ना यार जो मुख्य सहर बा विभिन्न जो मुख्य जगह रही से गुड़िक कौन कौन देखते पिला माने एटा मन रख राजस्थान कौन थी ना काली बंगान। देखो राजस्थान काली बंगान पिला माने एटा निज नोट्स रे लेखो राजस्थान काली बंगान गुजरात कौन ना गुजरात कौन ना आपणकर लथार गुजरात लथार एवं उत्तर प्रदेश कौन थी ना आलमगिरी उत्तर प्रदेश आलमगिरी। देख यही पिला माने यही अंचल गुड़िक आपणकर विभिन्न एग्जाम पड़े जे काली बंगानटा कौटी अवस्थित राजस्थान लोथारटा केउटी ना गुजरात यह सहित आपणकर कौन ना यह सहित आते पंजाब रही पंजाब रे कौन रही था ना पंजाब रोपार एवं पाकिस्तान कौन थी ना पाकिस्तान जानुदार माने जानुदार यही सब अंचल आपणकर कना विशेषकर विभिन्न जो भग्नावशेष एवं उपादान मिली जहाँकि परीक्षापी बहुत बहुत एग्जाम माने बहुत इम्पोर्टाट माने आपणकर पखापाखी 1400 आविष्कृत केन्द्र रही
से भितर मुख्य कौन ना कालीबंगान लथार देखते आप हरप्पा मोहिंजोदार एगुड़िक मुख्यतः कि सहित युवाक जानवापी जे कालीबंगानटा राजस्थान में अवस्थित लथारटा गुजरात आलमगिरीटा उत्तर प्रदेश में रपारटा हूँ पंजाब में जाह्नदारटा पाकिस्तान में अवस्थित बिल्कुल यही समस्त जिनस को आपन को स्टेप बाय स्टेप मन रखापी पड़ो देन आम देखा यार जनसंख्या केते थिले जो आम कहते हरप्पा सभ्यता एम जनसंख्या केते थिले विशेषकर पाने लेख जनसंख्या जनसंख्या यार केते थिले ना जनसंख्या पखापाखि आपणकर जनसंख्या पखापाखि आपणकर 2,50,000 आपणकर लोकसंख्या थिले हरप्पा सभ्यतार एवं आयतन आयतन थिला ना यार जो आयतन अंचल आयतन केते थिला अंचल आयतन माने हरप्पा सभ्यतार अंचल केते थिला ना एटा पिला माने निजर नोट्स रे मध्य लेखि रखिबो 12,50,000 वर्ग किमी देख पिला माने एटा आपणकर अंचल आयतन थिला केते ना 12,50,000 वर्ग किमी स्क्वायर किलोमीटर यार आयतन थिला पिला माने एटा आमे जानिले भौगोलिक विस्तृति आम प्रथम जानिले हरप्पा सभ्यता कौन एवं तार भौगोलिक स्थिति जानिले एवं यहाँ आसुची मुख्य जिनिष जोटा कि आपणकर एटा परीक्षा आसिबो जे हरप्पा सभ्यता कौन हरप्पा सभ्यतार उत्पत्ति एवं यार नगर परिकल्पना कौन कह देख यहाँ आम कौन देखा ना हरप्पा सभ्यतार नगर परिकल्पना देख पाने नगर परिकल्पना हूँ मुख्य जिनिष हरप्पा सभ्यतार कहीं विश्व जिते भी सभ्यता आपणकर मिश्रीय सभ्यता कह मेसोपोटामिया सभ्यता कह बा चीन सभ्यता कह सबु सभ्यतार आपणकर सहरी सभ्यता नाला कितु भारत रे जो हरप्पा सभ्यता देखा जाता तार सबुठ विशेषत्व है जे नगर परिकल्पना सेमानकर टाउन प्लानिंग सेमानकर रास्ताघाट घर निष्कासन व्यवस्था एगुड़िक विशेष भाव में बहुत गुरुत्वपूर्ण थिला देख पिला माने आमे नगर परिकल्पना रे कौन कौन सब जिनस पड़ा से पॉइंट गुड़िक निज खाता रे प्रथम लेखि रख जो पॉइंट गुड़िक मु कहूँ से पॉइंट गुड़िक निज खाता रे लेखि रख पिला माने मुख्यतः जिते बड़े आम नगर परिकल्पना कहते से मानी प्रथम कहना प्रथम आसब नगर परिकल्पना दुर्ग दुर्ग एवं जनबसती जनबसती पिला माने एटा को निज खाता रे लेख दुर्ग जनबसती सेकेंड रे आपणकर कौन रहिबना बासगृह सेकेंड रे रहिबा आपणकर बासगृह थर्ड रे रहिबा आपणकर रास्ता पिला माने मु जहा लेखुची सेटा थर्ड रे रहिबो रास्ता फोर्थ रे कौन रहिबना आपणकर फोर्थ रे रहिबा आपणकर सेमानकर जो रहिचला बृहत स्नानागार बृहत स्नानागार पिला माने एटा को निज खाता रे सब पॉइंट गुड़िक लेख एवं आम आलोचना करवा कौन कौन ये समस्त पॉइंट देखते पिला माने बृहत स्नानागार पर कौन थिला ना बृहत शस्यागार एवं छ नंबर रे कौन थिला छ नंबर पॉइंट रे सब पॉइंट गुड़िक निज खाता रे लेख एवं यहाँ पर थिला पदाधिकारी गृह एवं सात नंबर रे कौन अच्छे ना सात नंबर आपणकर मुख्य रही कौन ना चूली मध्य सेतेबेले देखापाय मिलिथिला एवं आठ नंबर रे कौन रोचे आपणकर निष्कासन व्यवस्था पिला माने एई जिंस को आपण को बहुत भाव बहुत सहज भाव में व्यवस्था थिला जहाँकि विशेष भाव में यही जिनस गुड़िक आप बहुत सहजरे मन रखिपर प्रथम कौन थी दुर्ग एवं जनबसती कौन बासगृह तापर रास्ता एवं आपणकर कौन रहा बृहत स्नानागार बृहत शस्यागार पे मुख्यतः जो दुर्ग थिला
दुर्ग एवं जनबसति को आपणकर हरप्पा जो हरप्पा सभ्यतार अंचल को विशेषकर दुई भाग में विभक्त कराइला कौन ना दुईट भाग में विभक्त कराइला गोटे हूँ उच्च अंचल एवं अन्यटी कौन हूँ निम्न अंचल गोटे हूँ उच्च अंचल गोटे हूँ निम्न अंचल पे कौन ना गोटे हूँ उत्त मान उच्च अंचल एवं अन्यटी हूँ निम्न अंचल ये आम कौन मन रखा ना उच्च अंचल आपणकर दुर्ग थिला एवं निम्न अंचल जनबसति थिला देखो जो आपणकर उच्च मान दुर्ग अंचल थिला एठरे विशेषकर राजा एवं पुरोहित माने दुर्ग अंचल रहुथिले एवं जनबसति रे साधारण लोक माने रहुथिले विशेषकर दुर्ग अंचल कौन ना मोहेंजोदारो एवं आपणकर हरप्पा गुड़िक थिला जोटा कि आपणकर दुर्ग अंचल एहा बतीत अन्यान्य अंचल जनबसति थिला जनबसति रे विशेषकर साधारण लोकंकर घर एवं साधारण लोक माने रहुथिले विशेषकर एतिक जिनस आपणको दुर्ग जनबसति रे लेखिबा पई पड़िबो एहा परे आपणकर रोचि ना बासगृह देख पिला माने एठी आपणकर बासगृहटा बहुत बहुत उपयोगी एवं इम्पोर्टेंट कथा मध्य आमे जदि हरप्पा सभ्यतार देखिबा घर गुड़िक ना घर गुड़िक आपणकर दुही महला विशिष्ट थिला घर गुड़िक आपणकर दुही महला विशिष्ट थिला देखो दुई महला विशिष्ट थिला बोले आमे केमिति जानती ना एथिरे पाउच थिलार आमे जणा परंती जे ऊपर पाउच मिलिछि जहाद्वारा कि प्राबस्य मिलिबा द्वारा ऐतिहासिक माने मत दिखती जे हरप्पा माने सभ्यतार बासगृह दुही महला विशिष्ट थिला एवं जो इटा तैयारी करा जाउतला सेतेबेले आमर जो इटा तैयारी करा जाउतला इटा कौन थिला ना आपणकर इटार अनुपात कौन थिला ना आपणकर इटार अनुपात थिला 4:2:1 एमिति अनुपात रे इटा थिला एवं इटा गुड़िक आपणकर पोड़ा इटारे से माने घर तैयारी करूथले इटा गुड़िकर अनुपात कौन थिला ना 2:2:1 एमिति अनुपात रे इटा थिला एवं प्रत्येक घरे शयन गृह बैठक गृह रोसेई गृह एवं बारंडा थिला देख पिला माने वर्तमान समय रे लोक मानकर रोसेई घर निज घर सहित संयुक्त नै किंतु सेतबेले आपणकर केते हजार वर्ष तलर कथा सेतबेले भी आपणकर हरप्पा सभ्यता रे आपणकर सेतबेले लोक मानकर घर भितरे बैठक गृह थिला रोसेई घर थिला शयन कक्ष थिला जहाद्वारा कि लोक माने विभिन्न कार्य पई विभिन्न रूम रे कार्य करूथले एवं सेमानकर मध्य घर को लागी बारंडा थिला एवं घरे मध्य विशेषकर सेमानकर स्नान गृह मध्य थिला स्नान गृह जो थे कि एई तांकर स्नान गृह थिला बोली काहे कि जणा पड़े ना ना से घर पाखरे गोटे कूप थिबार जणा जायते प्रत्येक घर पाखरे गोटे कूप रहिथिबार जणा पछे जहाद्वारा कि से कूपरु जाउथला आपणकर जल कोठी के माने जो स्नान गृह को एवं लोक माने जो स्नान करि सला परे अळिया बा आपणकर मैला जल पुणी से आसी नाळ रे मिसुथला जहाद्वारा कि जो रोड साइड रे नाळ थिला से नाळ पुणी जाय कि सहर बाहिरे से आवर्जना बा दूषित जल पडुथला जहा कि तांकर ब्रास गृह एई परि भाबरे थिला एवं विशेष करी जो काली बंगाले जो घर गुड़िक कोठाघर गुड़िक देखा जाए से जो इटा व्यवहार करा जाई से गुड़िक आपण सूर्य रश्मि रे से इटा गुड़िक कौन ना पुड़ा जाइथिबार सूचना रही आम पढ़ले तापर हूँ रास्ताघाट देख रास्ता हरप्पा सभ्यतार रास्ताटा हूँ सब विशेष कथा मुझे डायग्राम कर बुझे दूसरी देख आपणकर एमती गोटे रास्ता थी या रास्ता थी या मेन रास्ता आपणकर 10 फुट थी 10 फुट्र मेन रास्ता थी एवं जोटा गाँ भर जो रास्ताटा थी मानने जोटा कि लोक मान घर प्रत्येक घर सैड्रे आप गोटे रोड थी जोटा कि आप 6 फुट्र रोड थी देख पे आपणकर जोटा मुख्य रोड बा मुख्य रास्ता थी सैटा 10 फुट्रे एवं जोटा गाँ भर जो सहर भितर छोट छोट घर थी सैड्रे गोटे रोड जाऊला जोटा कि सेटा आपणकर 6 फुट्र ऐतिहासिक मान मत दिखती जो 10 फुट्र रोड ये जे
गोटे सगर गाड़ी आसीपार और गोटे सगर गाड़ी जापार जो दस फुट्र ता प्रत्येक रास्ता कौन ना एमती समकोण विभक्त थिला। देख पिला माने एटी समकोण थिला एवं एई जगार ना गोटे गोटे बत्ती खुंट थिला पिला माने बत्ती खुंट थिला। देख पिला माने देख इतिहास को मु आपन को माने मैथमेटिक्स भाया लगे माने प्रत्येक रोड समकोण विभाजित होता एवं प्रत्येक समकोण जो सृष्टि होता से गोटे गोटे बत्ती खुंट थिला। एवं मुख्य कथा ये जो आम रास्ता देखिले ये रास्ता रोच रास्ता सहित आपणकर कौन रोचे ना रास्ता सहित ये आपणकर कौन रोचे ना रास्ता साइड्रे दुईटे नाल थिला दुईटे नाल माने जो नाल नर्दमा थिला जहाद्वारा कि दूषित जल निष्कासित होता। देख पिला माने एमिति तंकर रास्ता व्यवस्था थिला। देखो ये रास्ता व्यवस्था को देखी आपणकर जड़े ऐतिहासिक ये रास्ता को देखी जड़े ऐतिहासिक मत दे सी हूँ कौन ना इजेएच आपणकर माके इजेएच माके ये आपणकर गोटे मत दे हरप्पा सभ्यतार रास्ता एपरी थिला हरप्पा सभ्यतार रोड गुड़िक एपरी थिला जदि दूषित वायु जाए पवन शोषण जंत्र भाया ताकु परिमल करूला जे कि रोड गुड़िक एमती भाव में याम कौन जानले ना रास्ता एवं यहपर आपणकर मुख्यतः रोच स्नानागार। देखु हरप्पा सभ्यतार स्नानागारटा गोटे मुख्य जिनस स्नानागारटा आपणकर एग्जाम सर्ट बिट्रे आसबार संभावना थाए अधिकांश समय यहाँ तीन नंबर क्वेश्चन आसीपे मन रख ये स्नानागारटा आपणकर महेंजोदार अंचल मिली स्नानागारटा महेंजोदार अंचल मिली एटा आपणकर जणा जाए जे किछि ऐतिहासिक माने मत दिंती जेतेबेले आपणकर पूजा बा मांगलिक कार्य करा जाउतला सेतेबेले लोक माने ई बृहत स्नानागार स्नान सारी विभिन्न मांगलिक कार्य रे जोग दिंती एवं अन्य किछि ऐतिहासिक माने अर्थ माने मत देउचंती जे ई स्नानागार जो राजकीय बा जो माने पुरोहित उच्च गोष्ठी रे थिले सेमानकर थिला। देखो पिला माने ई जो स्नानागारटा मिलिछि यार आपणकर दैर्घ्य केते थिला ना दैर्घ्य थिला पिला माने एटा को निज नोट्स रे लेख यार दैर्घ्य थिला 12 मीटर एवं प्रस्त थिला केते ना प्रस्त थिला आपणकर प्रस्त थिला यार 7 मीटर एवं गभीर थिला 3 मीटर एई जिंसटा को आपण को एग्जाम रे लेखिबा पई पड़िबो एवं विशेष विशेष उपयोगी आपणकर जो बृहत स्नानागार महेंजोदार अंचल मिली अच्छे ये बृहत स्नानागार दैर्घ्य हूँ 12 मीटर प्रस्त हूँ 7 मीटर गभीर हूँ 3 मीटर एवं ये जो बृहत स्नानागारटा जो रूम रु मिलता जो गृह मध्य बृहत स्नानागार थिला से गृहर दैर्घ्य प्रस्त के ना आपणकर दैर्घ्य थिला 55 मीटर एवं प्रस्त थिला केते मीटर ना 33 मीटर जो बृहत घर मध्य एटा थिला तार दैर्घ्य प्रस्त के ना गोटे बड़ घर थिला जैकि दैर्घ्य थिला 55 मीटर एवं प्रस्त थिला 33 मीटर एवं जो ता भितर सुडे आपणकर स्नानागार थिला जहाँ कि आम मॉडर्न कांसेप्ट रे कहि परबा स्विमिंग पूल तहार दैर्घ्य प्रस्त थिला 7, 12 एवं 3 जैकि मो जेमिति सिक्वेन्स रे कहिले। देखो पिला माने एई सहित मध्य आ साइड रे कूप थिला जैकि कूप माने कूओ थिला ए कूओ रु आपणकर बृहत स्नानागार मध्य को जल आसुथिला एवं लोक माने जेतले स्नान सारुथिले जल गुड़िक दूषित हो जाउतला अन्य एक नाल साजरे जाय से मुख्य नाल रे मिसुतला एवं से दूषित जल जाय सहर बाहर पड़ुतला जोपरि भाव में तांकर एही परि थिला व्यवस्था एवं ए जो आपणकर बृहत स्नानागार मनकर थिला ये साइट रे मध्य छोट छोट कठरी थिला जहाद्वारा जणा जाय जे स्नान सारिबा परे जणे जेतेबेले स्नान सारे स्नान सारिबा परे ड्रेस चेंज करबा पई ये आपणकर कठरी के जाउतला बा से पोशाक परिधान करया बोली जाउतला एहा सहित आपणकर ये साइट रे मध्य गोटे गैलेरी थिला जेतेबेले लोक माने स्विमिंग पूल रे स्नान करूतले दर्शक माने देखुतले जहाँकि आपणकर भिन्न भिन्न ऐतिहासिक मानकर एभली मत रहीचे एवं यहाँ पर कौन रहिला ना बृहत शस्यागार। देख पिला माने
এই বৃহৎ শস্যাগার কেউটি মিছে না এটা হরপ্পা মানে হরপ্পা অঞ্চলর এই বৃহৎ শস্যাগারটা আপনার কেউটি মিছে না হরপ্পা অঞ্চলর এই বৃহৎ শস্যাগারটা আপনার দেখবাই মিছে দেখ পিলা মানে যে বৃহৎ শস্যাগার রয়েছে এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ষোল মিটর এবং প্রস্থ হচ্ছে কেতে না প্রস্থ হচ্ছে আপনার ছ মিটর পিলা মানে এইটা মনে রেখ এটা আপনার হরপ্পা হরপ্পা মানে অঞ্চলর মিছে এবং এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে আপনার ষোল মিটর এবং প্রস্থ হচ্ছে ছ মিটর এটা নিজ খাতার পিলা মানে রেখ এবং মু যেতবে রফ নোটস কইবি গ্রুপে সেয়ার করা সেতবে সেয়ার করব মু দেখবি পিলা মানে কেমিতি লেখি চরে আগু দেখ এর হরপ্পা অঞ্চলের মিলিতিলা এবং দৈর্ঘ্য লা ষোল মিটর এবং প্রস্থটা লা ছ মিটর এবং এর সহিত যে আপনার বৃহৎ শস্যাগার লা এই মনে কর আমার শস্যাগারটা আমি এমিতি করেদেলে এটা শস্যাগার এর চট্টাণ বহুত বড় লা চট্টাণ এই সাইড্রে বহুত গুড়া চট্টাণ লা যেতবে আপনার শস্য অমল করে আসুলে লোক মানে সে চট্টাণরে তাকে শুকাউলে শুকাইবা পরে সে বৃহৎ শস্যাগারে স্টোরেজ করে রাখুলে এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক মত দিকে যে এটা আপনার যেতবে বন্যা মরুড়ি বা বাত্যা হোলা এই শস্যাগারর শস্য নিয়ে লোক মানুষ দিয়া যাওয়া যেটা কি বিশেষ ভাবে শস্যাগারর মুখ্য কথা বলে আমি জাঁয়াপি পাঁতি এবং শস্যাগার পরে মু কোণ করে না পদাধিকারী কক্ষ অলরেডি আপন মানে এসবু জিনিসক লেখিদেলে আমি এরপরে আজ নেক্সট পয়েন্ট গুড়িক রা সেগুড়িক লেখা দেখ এরপরে আমার কোণ লা না যে পদাধিকারী পদা ছ নম্বরে লা পদাধিকারী বাসগৃহ পদাধিকারী বাসগৃহ এবং এরপরে আপনার আউ গোটে পয়েন্ট কম রাখি লা পদাধিকারী বাসগৃহ পরে আমার লা চুলি চুলি লা এবং আপরে লা কে আমার নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিষ্কাশন ব্যবস্থা পিলা মানে এই সমস্ত জিনিস আপনার বিশেষ বিশেষ উপযোগী দেখুন চুলি উপরে মধ্যে কোশ্চেন বেড়ে বেড়ে আসি যায় বৃহৎ স্নানাগারক লাগি গোটে পদাধিকারী বাসগৃহ গোটে বিরাট বাসগৃহ লাগি রয়েছিল যে বাসগৃহর পাখাপাখি আপনার কেতে কম লা কহি রাখুছি এর আপনার দৈর্ঘ্য লা তিনশ কোড়িয়ে মিটর দৈর্ঘ্য লা তিনশ কোড়িয়ে মিটর এবং প্রস্থ লা আপনার অঠস্তরী মিটর দেখ পিলা মানে যে আমি বৃহৎ স্নানাগার আমি দেখিলে কেউটি না মহেঞ্জোদারে মহেঞ্জোদারক লাগি গোটে আপনার গোটে বিরাট আপনার গোটে বাসগৃহ লা যার কি দৈর্ঘ্য লা তিনশ কোড়িয়ে মিটর এবং প্রস্থ লা অঠস্তরী মিটর এবং পিলা মানে এই কথাকে মনে রেখ কিছু ঐতিহাসিক মানে কুহতি যে এটা আপনার কম না এটা জনসাধারণ ঘর তৈরি করা যাই এবং কিছু ঐতিহাসিক মানে মত পোষণ করতে যে এটা বিভিন্ন মানে যে উচ্চ পদাধিকারী সে গৃহ তৈরি করা এবং বিশেষ করে এই গৃহটা কাষ্টরে মানে আপনার কাষ্টরে মানে কাঠরে তৈরি করা যাই বিশেষ করে এইটাকে আমাকে মনে রাখা পড়ব দেখ পিলা মানে এইটা আপনার লা কম না কিছু পদাধিকারী গৃহ কিংবা আপনার কেউ সরকারি মানে যে সেতবে শাসন কার্যরে বা পুরোহিত মানুষ ঘর সেমিতি কুযাই সহিত আউ কিছু ঐতিহাসিক মানে কোচেন যে এটা জনসাধারণ একাঠি লোক মানে রুলে যেপি সেটা বিরাট গৃহ লা দেন আপনার রয়েছে চুলি দেখ আপনার হরপ্পা সভ্যতার গোটে বিশেষত জিনিস মিছিল যেটা কি চুলি আপনার কালীবঙ্গা কালী বঙ্গালে যেটা কি রাজস্থান কালী বঙ্গালে এই চুলি মিলে দেখবাই মিছিল আপনার রাজস্থান কালী বঙ্গালে এই চুলি দেখবাই মিছিল গোটিয়ে বারণ্ডারে সাতটি চুলি আপনার সাতটি চুলি দেখবাই মিছিল গোটিয়ে বারণ্ডারে এবং কিছু ঐতিহাসিক মানে কুহতি যে হরপ্পা সভ্যতার লোক মানে একাঠি রোষেই করুলে রোষেই সরিবা পরে খাদ্য নিজ ঘরক নিয়ে সেটি খাওলে এবং কিছু ঐতিহাসিক মানে এটি মত পোষণ করছেন যে আপনার বিভিন্ন মাঙ্গলিক কার্য বা বিভিন্ন যজ্ঞ বা বিভিন্ন পূজা কর্মরে এটি চুলিরে রোষেই করা যাওয়া বলে কুহযায় কিন্তু আপনার যা বি হো না কাহি সে হরপ্পা সভ্যতার চুলি গোটে বিশেষ রূপ গ্রহণ করেছে
एवं सबुठ मुख्य निष्कासन व्यवस्था जहाँकि विशेष विशेष गुरुत्वपूर्ण रोच हरप्पा सभ्यतार देख पाने ना हरप्पा सभ्यतार निष्कासन व्यवस्था बहुत गुरुत्वपूर्ण आम जानते जे रोड थी आम रास्ता थिला एमती रास्ता साइड आपणकर नाला थिला आपणकर नर्दमा नाला नर्दमा नाला थिला जहाँ साहज के आपणकर दूषित जल निष्कासित होता ये आपणकर नाला थिला ए नाला साहज रे दूषित जल निष्कासित होता ए जो नाला रो उपरी भाग को ताको मध्य संपूर्ण भाव में आबद्ध करा जाउला एवं ये नाला गभीर के छ फुट ये नाला गभीर थिला छ फुट एवं प्रत्येक घर गोटे नाला संजोग होता आप रास्ता साइड नाल सहित से नाला जाकि मुख्य नाला सहित मिशुला से मुख्य नाला जा सहर बाहर गोटे कुंड समस्त आवर्जना एवं दूषित जल जमा होता जहाँकि से समय मान निष्कासन व्यवस्था अति उच्च कोटीर थिला जहाँकि हरप्पा सभ्यतार नगर परिकल्पना एटा गोटे विशेष विशेष अंग पाने आज कौन पढ़ले ना हरप्पा सभ्यतार उत्पत्ति भौगोलिक विस्तृति एवं जनसंख्या एवं यह सहित आम कौन जानले ना नगर परिकल्पना नेक्स्ट क्लास आम अन्यान्य सामाजिक जीवन एवं से अर्थनैतिक जीवन एवं से धार्मिक जीवन से विषय आम आलोचना करवा पाने गोटे कथा मन रखी गोटे कथा को स्किप कर आपणकर हरप्पा सभ्यतार समय के देख पाने हरप्पा सभ्यतार समय लिखि रखु हरप्पा सभ्यतार समय हरप्पा सभ्यतार समय थी ख्रीष्टपूर्व 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 270 270 ख्रीष्टपूर्व 270 1750 देख ख्रीष्टपूर्व 270 ख्रीष्टपूर्व आपणकर 1750 ख्रीष्टपूर्व 1750 एटा आपणकर कोन थिला ना हरप्पा सभ्यतार समय पिला माने देख मुड़ी कही पढ़ेसी एगुड़ी रफ नोट लिखे एवं जितेबाला कह भी रफ नोट मत से ग्रुप से पठे मुझ भेरीफाए कर ठीक से लिखीच कि ना देन पिला माने नेक्स्ट क्लास देखा जो आम रही गुरुवार क्लास गुरुवार क्लास दिन पुणी देखा आपण सहित ये समस्त जिनस को पे खातार लिखि रख थैंक यू जय जगन्नाथ जय ओडिशा।